चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथ के बोर्ड और स्ट्रीम जैसे चैप्टरों से कुछ प्रश्न का हल करेंगे जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का शुरुआत का पहला प्रश्न जो ये है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता क्या है, थोड़ा देख लेते हैं आराम से। प्रश्न संख्या 1 वो तो प्यारा सा प्रश्न है। एक नौ धारा की दिशा में कुछ दूरी एक घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी डेढ़ घंटे में तय करती है। तो यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन जो बैंक पीओ परीक्षा 2003 में पूछा गया था। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत मज़ेदार ढंग से सॉल्व करते हैं। थोड़ा गौर फरमाइएगा सॉल्यूशन, बड़ा प्यारा सा है। देखिए दोस्तों दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्या दिया, कुछ दूरी, तो एक मिनट देख लीजिए पहले। एक नौ धारा की दिशा में, धारा की दिशा में करने का क्या हुआ, बी प्लस डब्लू इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों, डब्लू डी बाय 1 आवर्स, यही निकल गया हमको क्या, किलोमीटर पर आवर। दूसरा कहता है धारा के विपरीत दिशा में डेढ़ घंटे लेते हैं, ठीक ना। तो धारा के विपरीत दिशा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस डब्लू इक्वल टू डी बाय, इसको लिख सकते हैं 3/2। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2d/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। जोड़ना तो नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धारा का वेग कितना दिया हुआ है, धारा का वेग आपको कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। यदि हम चलिए जोड़ देते हैं, तो पहले इसे इतना कट कर दिए, ठीक ना। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, डी प्लस 2d/3। जब इसको हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5t/3, इम्प्लाई दैट 2b इक्वल टू 5d/3 हो जाएगा। इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5d/6, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, समझ गए। चलिए चलते हैं, अब देखिए इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5d/6 प्लस w इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डी, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6d-5d/6 हो जाएगा। तो कितना होगा, d/6, समझ आ गया बात, नहीं आया। अब देखिए d का हमको w का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो पुट कर दीजिए इसमें, 3 × 6 इक्वल टू d हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, 18 किलोमीटर हो जाएगा। आप इसको इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन थ्री में अगर पुट करते हैं तो हमको बोट का चाल निकल जाएगा। तो 5 × 18/6 करते हैं, ये 3 से कट गया और कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया दोस्तों। बड़ा प्यारा था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न बड़ा प्यारा सा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, बड़ा प्यारा सा है। कहता है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल
और धारा का वेग का अनुपात कितना होगा। मतलब क्या ज्ञात करने का रहा है दोस्तों, B अनुपात W बराबर वाट। समझ में आया? देखिए ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो हम प्यार से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव की धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में, ठीक है, तो धारा की दिशा जैसे कहे तो आंख बंद करके डिबिया गैप कीजिए और बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू लिख दीजिए इतना किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर हो गया आपका, नहीं हुआ। और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो गया, बी माइनस डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमको मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं हम लोग डी किलोमीटर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इधर पास करने में टी आवर्स लगता है, तो इसको कितना लगेगा चलिए बता दीजिए, आधा समय लेता है तो ये टू टी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। कहता है दोस्तों क्या, पहले चलते हैं हम लोग कि पहले निकाल लेते हैं इससे, ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे क्या, चाल v प्लस डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे t किलोमीटर बराबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, v माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डी बाय टू टी किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो नाव की चाल धारा की चाल को बदलता है, तो इसको अब क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे दोस्तों तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिए, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। जब इतना प्यार से लिख सकते हैं तो एलसीएम जब लीजिएगा तो टू टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू डी प्लस डी इक्वल टू थ्री डी बाय टू टी। तो b बराबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री डी बाय फोर टी। समझ में आया बात, इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको टू मानिए, इसको आप थ्री मान लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब चलते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन वन में। ठीक है, अब इधर आते हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन वन में पुट कीजिए, बी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपको, सॉरी बी निकल गया, अब डब्ल्यू निकालना है, तो इक्वेशन वन में पुट कीजिए, तो थ्री डी पुट बी इन वन। ठीक है, समझ में आ जाएगा, तो थ्री डी बाय फोर टी हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना, प्लस W इक्वल टू हो जाएगा डी बाय टी, कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम प्यार से डी बाय टी माइनस थ्री डी बाय फोर टी। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फोर टी हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा बताइए, फोर टी होगा या फोर डी हो जाएगा, तो हो जाएगा ये डी, समझ में आया, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, D बाय फोर टी। अब क्वेश्चन कहता है क्या, B रेशियो, अब क्वेश्चन कहता है B रेशियो W निकालना है, तो W का भी वैल्यू निकल गया, नहीं निकला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B बाय W कह रहा है, तो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू, थ्री डी बाय फोर टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, डी बाय फोर टी। तो जब आप इसको थ्री डी बाय फोर टी कैलकुलेशन कीजिएगा तो फोर टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और डी नीचे चला जाएगा, और ये फोर टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, तो आपका निकल के आया थ्री बाय वन। समझ में आया, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, इसलिए B रेशियो W इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाय वन।
यही मेरा प्यारा सा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, कहता है प्रश्न संख्या 3, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग ज्ञात का अनुपात ज्ञात करते, मतलब इसमें भी वही है व्यू रेशियो डब्लू फट, समझे दोस्तों। चलिए इसको भी हल करते हैं प्यारा सा प्रश्न को। चलिए सबसे पहले कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा का अर्थ क्या हुआ, बी माइनस डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इतना किलोमीटर हो गया तो कुछ ही डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं डी है दूरी को कितना घंटा में, 8 घंटों में, 48 मिनट है तो 48 मिनट को 60 से भाग दिया जाएगा, घंटे में बदल जाएगा, इसको आप कटा दीजिए 8 × 6 = 48, 10 हो गया, यह 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाय 8 × 5 = 4, 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, किलोमीटर बराबर, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह धारा के विपरीत दिशा में क्या, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस डी बाय, समय कितना ले रहा है, 4 घंटा ले रहा है, तो ये हो गया इतना किलोमीटर बराबर, 4 निकल गया मेरा, ठीक है। तब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये डब्लू डब्लू कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 2b हो जाएगा ना, 5d बाय 44 प्लस डी बाय 4, जब इसको हल करेंगे यही है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बोलिए कि नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, जल्दी बता दीजिए, ऐसा मतलब समझ में आ गया, नहीं, चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अपने ठीक है, बढ़ते जाइए आराम से एकदम, कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये 8 × 44 = 5d हो गया, ये हो गया आपका धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो ये हो गया आपका LCM 44, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 11d, हो जाएगा 16d/44, ठीक है, इतना किलोमीटर बराबर 2b हो गया, इसलिए बोट की चाल कितना हो गया मेरे को बोलिए, 2 हो गया तो 88 हो गया ना किलोमीटर बराबर, नहीं हुआ बताइए। चलिए जब इतना बात समझ आ गया तो अब W का तो वैल्यू निकल ही जाएगा दोस्तों, कि नहीं निकलेगा बताइए, अब इसको पुट कर दीजिए 1 में, बी इन 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब पुट करने के बाद क्या होता है देखिए, 16d 88 प्लस W इक्वल टू कितना होगा, 2 कर दीजिए इसको, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डी वाई 4 हो गया। चलिए अब ये उधर गया तो W बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी वाई 4 माइनस 16d/88, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, 88 LCM हो गया, ये 22d हो गया, ये तो 16d ही रहेगा, W बराबर क्या निकल जाएगा, 6d/88 किलोमीटर बराबर, राइट।
चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए। अब कहता है क्या दोस्तों, अब कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी रेशियो बाय डब्ल्यू पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू कितना हुआ 16D अब बटे 88 डिवाइडेड बाय 6D बाय 88। अब कैलकुलेट कर दीजिएगा, जब आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका निकल के आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। डी कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये हो गया 8। ठीक है, तो बी प्लस डब्ल्यू इजकल टू 8/3 कितना ही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में गया, यही तो पूछ रहा था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको भी। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में उसको कितना लगता है, 1 घंटा लगता तो उस स्थान का प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना होगा, दूरी ज्ञात करना चाह रहा है, डी बराबर वाट। ठीक है, चलिए एक शांत जल मतलब तैराक का स्विमर का कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर बराबर, ठीक है कहीं कोई तकलीफ नहीं। यदि धारा का वेग कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर बराबर, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसको 1 घंटा लगता है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर्स। ठीक है, तो चलिए पहले धारा के साथ निकालते हैं स्विमर का चाल, तो जैसे धारा के साथ एस प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, डी नहीं मालूम है तो डी मान लेते हैं, और सॉरी ठीक है सही है ना, तो आप इसको आप सॉरी आप धारा के साथ कितना हो जाएगा चाल इसका 5 + 1 कर दीजिएगा तो कितना होगा 6 किलोमीटर बराबर हो गया, और धारा के विपरीत दिशा में कितना चाल हो जाएगा बोलिए, अरे यार 4 किलोमीटर बराबर न हुआ। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है तो टाइम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वाई धारा के साथ प्लस डी वाई धारा का विपरीत लिख सकते हैं। टाइम 1 आवर से दिया हुआ है, पुट कर दीजिए वैल्यू को, अब कितना निकला था धारा के साथ, ठीक है धारा के विपरीत 4 निकला था राइट, तो चलिए इसको आप ले लीजिए, 24 हो गया, ये 4D हो गया, ये 6D हो गया, ये हमारा टाइम इतना दिया हुआ है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा 24 = 10D, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 24/10 = 2.4 किलोमीटर, ये तो पूछ रहा आंसर, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बहुत आसान था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 बड़ा प्यारा सा है दोस्तों, कहता है चलिए देखते हैं, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, तो शांत जल में तैराक का चाल कितना होगा, मतलब स्विमर का चाल पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं कैसे हल करते हैं हम लोग मस्ती की तरह, चलिए जैसे बोले दोस्तों कि तैराक धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत, ठीक ना, तो तुरंत दिमाग लगा देना S - W यही कह रहा है, ठीक ना, तो डिस्टेंस बाय कितना होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, तो 3/4 दिया हुआ है डिस्टेंस, 11.1/4 तो 44, 1/45 हो गया 45/4
चार। अब इसको हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, ठीक है, घंटे में बदल जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। अब बटे कितना हो गया, 3/16, यही हुआ ना। तो आप इसको थोड़ा हल कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 किलोमीटर बराबर निकल गया, ठीक है। उसी तरह अब धड़ा के साथ कर रहा है तो सेम किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम कितना लग रहा है इसको, 15/2। इसको 60 से भाग दे दीजिएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 3/4 लिख दीजिए इसको, गुना 8/1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 किलोमीटर बराबर हो गया। अब कथा तैराकी चाल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, है कि नहीं। जब दोनों को इक्वेशन को जोड़िएगा तो ये हो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2s = कितना हो जाएगा आपका, 10, इसलिए s बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर बराबर, ये निकल गया स्विमर का चाल। आंसर आपका हो गया ऑप्शंस डी इज राइट। है देखिए, ये क्वेश्चन मैनेजमेंट परीक्षा में 2005 में पूछा गया। तो चलिए दोस्तों, आज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बोट एनर्जी स्ट्रीम का, जो आप सभी को हल करवा दिए। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं इस तरह का वीडियो हमेशा आपके पास लाते रहूँ। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।